बच्चों अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वेक्टर्स एंड देयर यूज इन फिजिक्स। इन चैप्टर 6 वी डिफाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी वर्क इज डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। है ना, वर्क जो है एक स्केलर प्रोडक्ट है। किस किस का स्केलर प्रोडक्ट है? वेक्टर एफ और वेक्टर एस का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वर्क। लेकिन इस चैप्टर में हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वी शैल नाउ डिफाइन अनदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस प्रोडक्ट इज वेक्टर। ये भी जो प्रोडक्ट भी है वो भी वेक्टर है। टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज इन द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन नेमली मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम आर डिफाइंड एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है? पोजिशन वैक्टर, और एफ क्या है? फोर्स। दोनों वैक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू टॉर्क है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ऐसे लिख सकते हो ना, आर एफ साइन थीटा। इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस पी। आर इज पोजिशन वैक्टर एंड पी इज मोमेंटम। ओके, तो दीज टू आर द वैक्टर प्रोडक्ट इन दिस चैप्टर। That is why we are studying this. Definition of vector product. A vector product of two vectors A and B is a vector C, such that magnitude of C is equal to AB sin theta. है ना, इसमें sin theta cross product, जब dot product देखा था तो देखा था cos theta आया था, FS cos theta, वो dot product था, ये cross product है. Magnitude of C is equal to AB cos theta. Where A and B are magnitudes of A and B and theta is the angle between the two vectors. आपने देखा लिखने का तरीका अलग है ना, वैक्टर्स को और उनके मैग्नीट्यूड्स को, है ना, लाइट लेटर्स में लिखा है मैग्नीट्यूड को। C is perpendicular to the plane containing A and B. जिस प्लेन में A और B लाई कर रहे हैं, A वैक्टर और B वैक्टर, जो C वैक्टर है, जो रिजल्टेंट वैक्टर है, वो उन दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अभी पिक्चर दिखा देखते हैं। वी इफ यू टेक अ राइट हैंडेड स्क्रू विद इट्स हेड लाइंग इन द प्लेन ऑफ A एंड B एंड द स्क्रू परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दिस प्लेन, एंड इफ यू टर्न द हेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, then the tip of the screw advances in the direction of C. This right-handed screw rule is illustrated in figure. देखो ये स्क्रू है और ये A to B direction में हम इसको move कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, कैसे move करेगा ये? अंदर की तरफ, है ना, ये देखो C जो है, ये direction क्या होगी resultant vector की, screw जिस direction में screw है, screw move कर रहा है, या इसको right hand के थंब रूल से भी आप बता सकते हो कि सी की डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? ए टू बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है वो देखो आप ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, और इसमें भी प्लेन ऑफ प्लेन, जिस प्लेन में ए और बी हैं उसके परपेंडिकुलर जो है वो सी की डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर की। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी वेक्टर। A simple version of the right hand rule is the following. Open up your right hand palm and curl the fingers pointing from A to B. Your stretched thumb points in the direction of C. मुझे लगता है ये तो आता है आपको निकालना direction. It should be remembered that there are two angles between any two vectors A and B. They correspond to theta and 360 minus theta. बच्चों आपको छोटा एंगल लेना है, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है। किस डायरेक्शन में जाना है? जहाँ छोटा एंगल है। वाई अप्लाइंग आइदर ऑफ द अबाउ रूल द रोटेशन शुड बी टेकन थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, इट इज़ थिएटा। हेयर डायग्राम में देखो थिएटा, इस थिएटा की तरफ डायरेक्शन रखनी है, उल्टी डायरेक्शन नहीं देनी। बिकॉज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस यूज इन द डिनोट द वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। नोट दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज कम्यूटेटिव एज सेड अर्लियर। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, क्या? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन बदल जाती है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नेवर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज द सेम। मैग्नीट्यूड तो सेम है, ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ ए एंड बी, लेकिन बट द रोटेशन ऑफ द राइट हैंडेड स्क्रू इन
ये जो बदल जाएगा ऑफ ए क्रॉस बी इज़ फ्रॉम ए टू बी, जबकि बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगी, बी टू ए हो जाएगी, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी. दिस मीन्स द टू वैक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. तो बच्चों गड़बड़ हो गई ना, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता है हमारा वैक्टर प्रोडक्ट. अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वैक्टर प्रोडक्ट इज इट्स बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन. अंडर रिफ्लेक्शन मतलब ऑन टेकिंग द प्लेन मिरर इमेज, वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, एंड जेड इज इक्वल टू माइनस जेड, है ना, मिरर इमेज ले रहे हो ना आप. एज अ रिजल्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर चेंज साइन, एंड दस ए विल बिकम माइनस ए, बी विल बिकम माइनस बी. वॉट हैपन्स टू द ए एंड बी अंडर रिफ्लेक्शन? जब ए क्रॉस बी अंडर रिफ्लेक्शन देखोगे तो सेम वैल्यू आएगी. इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी डज नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन. बोथ स्केलर एंड वैक्टर प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर एडिशन. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, देख लो आप, ये तो आप बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हो आप. वी मे राइट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इन द कंपोनेंट फॉर्म. From this we first need to obtain some elementary cross products. जैसे A cross A की value होगी 0. 0 is null vector, that is a vector with zero magnitude. This follows since magnitude of A cross A is A का square sin 0, और sin 0 की value आपको पता है 0 होती है, इसीलिए A cross A जो है वो 0 होगा, है ना. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि I cross I भी 0 होगा, J cross J कैप भी 0 होगा, K कैप इन क्रॉस K कैप भी 0 होगा, और लेकिन I क्रॉस J कैप जो होगा उसकी वैल्यू होगी K. क्यों? क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है. तो I क्रॉस J कैप की वैल्यू तो K कैप है, लेकिन I कैप इंटू I कैप जो है वो 0 हो गया. समझ में आया ना 0 क्यों हुआ, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप क्रॉस J कैप इज साइन 90 और 1. सिंस I कैप एंड J कैप बोथ हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, दस I कैप एंड J कैप इज अ यूनिट वैक्टर. A unit vector perpendicular to the plane of I cap and J cap and related to them by the right hand screw rule is K cap. The hence the above result you may verify similarly. J cap into K cap will be I cap or K cap into I cap will be equal to J cap. समझ में आ रहा है बच्चों? From the rule of for commutation of the cross product it follows. हम जब I इंटू J किया तो क्या वैल्यू आई थी, K कैप. तो बच्चों उल्टा करेंगे, J इंटू K करेंगे तो क्या हो जाएगा, J इंटू K करेंगे तो I आया, K इंटू I किया तो J आया, तो J इंटू I किया तो क्या होगा, माइनस K कैप. अपोजिट कर दी ना आपने डायरेक्शन, K इंटू K कैप इंटू J कैप क्या हो जाएगा, माइनस I I कैप, और I कैप इंटू K कैप क्या हो जाएगा, माइनस J कैप. देख रहे हो ना आप. तो नाउ इफ I कैप J कैप K कैप अकर साइक्लिकली इन द अबव वैक्टर प्रोडक्ट रिलेशन, द वैक्टर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. इफ I J K डू नॉट अकर इन द साइक्लिक ऑर्डर, द वैक्टर प्रोडक्ट इज नेगेटिव. समझ में आ गया आपको? A क्रॉस B इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, A क्रॉस B को आप ऐसा लिख सकते हो, सारे A के एक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब इनको आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ए एक्स आई और बी एक्स आई, ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आई से आई की वैल्यू तो ज़ीरो है. तो जो कैंसिल हो गए ना वो नहीं लिखे हैं, जो देखो ए एक्स आई कैप को जब मल्टीप्लाई किया आपने बी वाई जे कैप से तो क्या आएगी वैल्यू, ए एक्स बी वाई के कैप, है ना. आई और जे की वैल्यू ए क्रॉस जे की वैल्यू के कैप है ना. इस तरह से सारे मल्टीप्लाई करके आप ये वैल्यू निकाल लो. तो इसको हम अब इस पे से अब आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर से, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, है ना, I की वैल्यू लिख दी. तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, वी हैव यूज द एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट्स इन ऑब्टेनिंग द अबाउ रिएक्शन. द एक्सप्रेशन फॉर A क्रॉस B कैन बी पुट इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म विच इज़ ईजी टू रिमेंबर. जो आपने ये निकाला है ना रिजल्ट, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो.
ये थोड़ा इजी है ना, इसके बेसिस पे आप सॉल्व करोगे ना न्यूमेरिकल, तो